हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट परीक्षा के लिए, जिसमें हिंदी के 60 प्रश्न आने हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, लेकिन आज कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका वर्णमाला से रिलेटेड। वर्णमाला से रिलेटेड यानी वर्ण की पूरी बात करेंगे, कितने वर्ण होते हैं वर्णमाला में और वर्णों के भेद कितने हैं, और जैसे स्वर और व्यंजन होते हैं उन स्वरों के भेद कितने होते हैं और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, वर्ण के नाम पर हम जैसे जानते हैं कि कंठ व्यंजन कौन सा होता है, ताल व्यंजन कौन सा होता है, मूर्धन व्यंजन कौन सा होता है, ओष्ठ व्यंजन कौन सा होता है। यानी कंठ व्यंजन का मतलब हो गया कि कंठ से जब उसको हम उच्चारण करते हैं, उस अक्षर का उच्चारण करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे अक्षर हैं जिनका कंठ से उच्चारण होता है। ठीक है, तो चलिए पूरी वीडियो को देखिए और एंड तक वॉच करिए, जिससे कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए बने रहिए, अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन लगा दबाएं और लाइक को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे समय से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा, सुनिए, देखिए वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है? वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई। ठीक है ना, हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं, यानी अक्षर कहते हैं। ठीक है ना, तो वर्ण जो है, वर्ण के कितने भेद होते हैं भाई? वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के ध्यान से देखिएगा, दो भेद होते हैं। कौन कौन से हो गए? वर्ण के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन आप जानते हो स्वर कितने होते हैं। स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है ना, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41 होती है, लेकिन वैसे देखें तो 33 भी होती है। ठीक है ना, 33 जो होती है केवल व्यंजनों की संख्या होती है। अगर हम मूल रूप से देखेंगे कितने व्यंजन होते हैं तो फिर 41 व्यंजन हो जाते हैं, कुल 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्वरों की। स्वरों के भेद कितने होते हैं? स्वरों के दो भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं भाई? ह्रस्व स्वर की बात करें तो हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर। ठीक है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ह्रस्व स्वर बताइए, तो ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं 4 और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। टोटल मिला के कितने हो गए? 11। ठीक है, तो 4 ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गई, ठीक है ना, छोटा उ हो गया, और ऋष ऋषि, ये आपके जो है वो ह्रस्व स्वर हो गए, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर में जितने बचे हुए, यहाँ से जितने बचे हुए वर्ण हैं, जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा उ हो गया, ठीक है ना, और ए हो गया, ए हो गया, और ओ हो गया, और औ हो गया। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं? दीर्घ स्वर में आते हैं, और इनकी जो संख्या होती है वो 7 होती है। तो पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि दीर्घ स्वरों की संख्या बताइए, तो कितनी होती है? 7 होती है, या ऑप्शन में दे दिया जाता है इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो पहचान लीजिए कि अगर ये ऑप्शन में आपको दिए जाएंगे तो दीर्घ स्वर ये होंगे। ठीक है, चलिए अभी कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन भी पता चलेंगे कि जो आपने सुने ही नहीं होंगे और हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, आपने ये देखा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ, मतलब स्वरों के भेद आपने यहाँ पर देख लिए। अब हम यहाँ बात करेंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के यहाँ पर देखिए कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे। ठीक है ना, चलिए 5 भेदों को अच्छे से देखेंगे। चलिए, पहला जो भेद होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरा भेद होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है ना, तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊष्म व्यंजन 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा है, या इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन वर्ण होगा। ठीक है ना, या इन वर्णों में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है। चलिए आगे देखेंगे, आगत होता है आगत व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो कि दो वर्णों के मेल से बन जाता है। ठीक है ना, सॉरी, स्पर्श व्यंजन पहले देखेंगे। देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 27। ठीक है, कैसे हुई 27 ये देखिएगा यहाँ पे। देखिए का वर्ग ठीक है से लेकर के, का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक के वर्णों की जो संख्या हो गई ये आपकी कितनी हो गई। देखिए पहले तो का वाली लाइन आएगी, ठीक है, उसके बाद क्या आती है, का वाली लाइन हो गई, फिर उसके बाद में आ गया चा वाली लाइन, फिर आपकी हो गई
टा ता और पा, यानी इसमें पांच वर्ण हो गए टोटल, इसमें पांच वर्ण टोटल हो गए और इसमें पांच वर्ण टोटल हो गए और यहां पांच वर्ण टोटल और यहां पर, तो टोटल पचम 25 हो गए ना, तो 25 वर्ण आपके यहां पर ये हो गए, ठीक है 25 वर्ण ये हो गए। और साथ ही साथ दो वर्ण ऐसे कौन से इसमें जुड़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन में, जिससे कि कुल 27 हो जा रहे हैं। तो इसमें जो दो वर्ण जुड़ रहे हैं वो है अड़ा ओड़ा, ठीक है ना, ये वाले जो दो व्यंजन हैं इसमें जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं कुल, इनकी संख्या कितनी हो गई स्पर्श व्यंजनों की 27 हो गई, ठीक है ना। चलिए अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, इनकी संख्या चार होती है और कौन कौन से होते हैं, या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। चलिए ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, जितने भी सा होते हैं वर्णमाला में, सलजम वाला हो गया, साइकिल वाला हो गया और षटकोण वाला हो गया और हा हो गया, ठीक है ना, ये चार होते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। आगत व्यंजन की बात करेंगे तो आगत व्यंजन दो होते हैं जिन्हें हम विदेशी भी कहते हैं, ठीक है, विदेशी वर्ण भी कहते हैं, जिन्हें हम विदेशी वर्ण भी कहते हैं, ये जा इस प्रकार से लिखा होता है और फा इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है। तो ये कितने होते हैं आगत वर्ण, आगत व्यंजन कितने होते हैं दो, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं चार, कौन कौन से, अब बच रहा है आपका छा त्रा, ठीक है, और ज्ञा, और एक बच रहा है स्र, ठीक है ना। अच्छा अब ये छा पूछा जाता है कि किन वर्णों से मिलकर के संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन ये बना हुआ है, तो ये किससे मिलकर के बनता है, का और शा से मिलकर के बनता है ना, का और शा से मिलकर के बनता है। चलो भाई समझ आ गया कितने होते हैं, देखिए 27 और चार के 27 स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन चार हो गए, चार ऊष्म व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तीनों सा और हा, ठीक है ना। आगत दो होते हैं, कौन कौन से, जा और फा, नीचे आपको मिलेगा एक इस प्रकार से बिंदु रखा होता है, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है, छात्रा ज्ञा और स्रा, जो कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या दो व्यंजनों के मेल से जो बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की ओर, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, इससे वर्ण का आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाओ, गारंटी लेता हूं मैं, ठीक है ना, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप कर ना पाओ। तो इस प्रकार से आपने ये सीखा कि वर्णों की जो भेद होते हैं कितने होते हैं और उनके जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वर्ण कितने हो गए, वर्णों की संख्या हो गई 52 टोटल, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंठ, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे स्वरों की, जो कंठ से निकलते हैं और तालु से निकलते हैं, तालु यानी तालु से, ठीक है ना, तालु जानते हैं ना, मुंह के भीतर की जो छत होती है उसको तालु बोलते हैं। और मूर्धन्य, मूर्धन्य किसे कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं कंठ और तालु, ठीक है ना, या मतलब दो लोगों का मेल हो जाए, जैसे कंठ या तालु, या फिर ओंठ कंठ हो गया तो मूर्धन्य हो जाता है। अब ओष्ठ की बात करेंगे, ओष्ठ इन चारों की बात करेंगे, ठीक है। तो कंठस्थ से स्वर पूछ लिया जाए तो कौन कौन सा होगा, देखिए कंठस्थ से जो स्वर होता है वो छोटा आ हो गया आपका, ठीक है, अच्छा छोटा आ हो गया और बड़ा आ हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो तालु से निकलते हैं वो छोटा ई हो गया और बड़ा ई हो गया, ठीक है ना। मूर्धन्य वाले कौन से होते हैं, मूर्धन्य वाले आपके होते हैं ऋषि, ऋषि हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और ओ हो गया, ठीक है। और ओष्ठ वाले छोटा उ और बड़ा उ। अब यहां पर आप कहेंगे कि इनको अलग अलग क्यों लिखा, अलग 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 इसलिए लिखा हुआ है कि ये जो है ये सारे क्या होते हैं, आपसे बताया था ना, ये सारे क्या होते हैं, हास्य स्वर होते हैं, क्या होते हैं, ये हास्य स्वर होते हैं, और ये वाले आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। तो प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि
इन चार ऑप्शन में से हास्य स्वर कौन सा है या कंठस्य स्वर कौन सा है या कह दिया जाता है कि कंठ स्वर बताइए। इन हास्य स्वरों में कंठ स्वर कौन सा होगा या कई आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है ना। ताल वो पूछ लिया जाएगा या मूर्धन्य पूछ लिया जाएगा या ओट्स पूछ लिया जाएगा। तो देखिए ओट का मतलब है कि ओठों द्वारा जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम ओष्ठ से निकलने वाला वर्ण कहते हैं, ठीक है, या ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि कहते हैं। चलिए तो आपने ये देख लिया। अब व्यंजनों की बात करेंगे, यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग कहेंगे कि बहुत लंबा पहुँचा दिया, लेकिन हमारा उद्देश्य बहुत लंबा नहीं है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई देख लो जल्दी से। अब व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में कौन कौन से आते हैं आपके, देखिए व्यंजन में कौन कौन से आ जाते हैं। पहले हम बात करेंगे कंठ की, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तालु की, तो तालु हो गया, मूर्धन्य, मूर्ध की मतलब मुंह जो होता है उसके ऊपरी छत को हम बोलते हैं, जो अलग भाग होता है, अगला जो भाग होता है उसको बोलते हैं, ना मूर्धन्य मतलब मुंह की जो छत होती है। एक तालु होता है जो मुंह के भीतर की छत होती है, उसको पिछले भाग को, मुंह के भीतर की पिछले भाग की जो मुंह के भीतर की जो छत होती है उसके पिछले भाग को तालु बोलते हैं, ठीक है, और मुंह की जो ऊपरी भाग होता है मतलब छत जो होती है उसको मूर्धन्य बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए दंत की बात करेंगे, यानी दांतों द्वारा जो ध्वनि निकलती है। अब आता है ओष्ठ, यानी ओष्ठों द्वारा जो ध्वनि निकलती है, ठीक है। तो चलो भाई देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक होता है आघोष अल्प प्राण, ठीक है, तो ये अल्प प्राण हो गया और यहां पर हो गया महाप्राण, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि व्यंजनों, जितने व्यंजन होते हैं उनमें जो वर्ण होते हैं, वर्णों के प्रथम और द्वितीय, जो वर्ण होते हैं उनके प्रथम और द्वितीय वर्ग में पहला जो होता है वो कैसा होता है, अल्प प्राण होता है, और दूसरा क्या होता है, यानी द्वितीय वर्ण क्या होता है, सभी वर्ग की बात कर रहे हैं, का खा का से हो या चा वाला वर्ग हो या टा वाला वर्ग हो या ता या पा वाला वर्ग हो, ठीक है ना। तो आघोष आघोष महाप्राण, ठीक है, और तीसरा फिर आगे जाता है तो यहां पर क्या होता है, सघोष हो जाता है, यहां पर सघोष चलता है, यहां पर आघोष चलता है, ठीक है ना। पहले दो जो वर्ग पहले जो सभी वर्ग होते हैं उनमें प्रथम और द्वितीय स्थान में अघोष अल्प प्राण और अघोष महाप्राण, ठीक है, यहां पर सघोष अल्प प्राण और यहां पर सघोष महाप्राण, ठीक है, यहां पर महाप्राण चलता है, ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, सघोष अल्प प्राण जो कि नासिका से निकलते हैं, नासिका से निकलने वाले, ठीक है। तो पहले आता है का वर्ग, तो का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, ठीक है ना, और फिर ये आपका अंगा हो गया, ठीक है, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा और ये यहाँ हो गया, टा ठा डा, इसको ढा सही से बनाते हैं, ढा अंगा, ठीक है, यहाँ पे ता था दा धा और ये ना, यहाँ पे क्या होगा आपका, पा फा बा भा और मा, ठीक है। इस प्रकार से आपकी ये देखिए कंठ से निकलने वाले अघोष अल्प प्राण का अघोष, ये आपका होता है महाप्राण, खा हो गया, ठीक है, सघोष अल्प प्राण गा हो गया, सघोष महाप्राण घा हो गया, बाकी नासिका से निकलने वाले सघोष अल्प प्राण ड़ा हो गया, या ये आपका ये इया है, ठीक है ना, चा छा जा जा इया, ये ड़ा है, ना है, मा है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आप ये समझ गए। चलिए अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि सघोष अल्प प्राण में देखिए या आ जाता है, रा आ जाता है, ला आ जाता है और आपका वा भी आ जाता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखेंगे जो अघोष मध्य महाप्राण है, सॉरी, तो यहाँ पर देखिएगा कि जितने सा हैं, साइकिल वाला हो या संयम वाला हो या षटकोण वाला हो, ये सभी इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्वर यंत्र कौन सा होता है, यानी स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय कौन सा होता है भाई, स्वर यंत्रीय होता है, हाँ,
ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आपका काफी कुछ मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया है, बाकी एक आपको वीडियो दूंगा जिसमें सारे प्रश्न होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इस वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।